not present. sri sanjay kumar jha. not present. it appears the list of speakers has exhausted itself. and look at what a spectacle. What a worrisome scenario. We allocated 21 hours. I would make an appeal to those who have not been able to avail their opportunity today to be thoroughly prepared to avail such an opportunity on Monday. मिस्टर ब्रजलाल आई कैन सी यस बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है महोदय अभी जो चुनाव हुए और उसमें दो ऐसे नैरेटिव गढ़े गए एक नैरेटिव था बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी दूसरा नैरेटिव था जो दलितों में फैलाया गया जो मैं खुद दलित हूँ कि जब बीजेपी आएगी तो दलितों का आदिवासियों का बैकवर्ड्स का आरक्षण छीन लेगी ये नैरेटिव बने और बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ महोदय ये नैरेटिव हमारे यहाँ तो बनाया कांग्रेसी भाइयों ने वामपंथियों ने टीएमसी ने लेकिन कहीं नहीं कहीं ये विदेश से जुड़ा था डीप स्टेट से डीप स्टेट वो इंटरनेशनल शक्तियां हैं जो भारत को प्रगति नहीं देख पाती और हर तरह से फंडिंग करती हैं गुमराह करती हैं और इस तरह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था मोदी हटाओ और उसी में ये दो नैरेटिव ये चला महोदय जहाँ तक संविधान की बात है मैं बड़ा लकी रहा कि जब मैं सिविल सर्वेंट हुआ और पहले चार महीने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में फर्स्ट मार्च सेवेंटी सेवन को देहरादून फॉरेस्ट एकेडमी में उस समय चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे जनता पार्टी जीत रही थी और हम सब लोग खुशी मना रहे थे चार महीने बाद मैं सिविल सर्वेंट में हो गया आई पी तो जो मसूरी अकेडमी में आया तो हम लोगों को हमारे ला इंस्ट्रक्टर दो जजमेंट पढ़ाते थे एक था गोलकनाथ केस और दूसरा केशवानंद भारती केस ये हम लोगों को उस समय पढ़ाए जाते थे और क्या था गोलकनाथ केस संसद ऐसा कोई परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकती जिससे यहाँ के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का हो जाए फंडामेंटल राइट्स पर था उसके बाद केशवानंद भारती केस बहुत तेरह जजेस की बेंच थी वो हुआ उन्होंने कहा आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते ये केशवानंद भारती केस था लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जो उनके जड़ों में उनके डीएनए में तानाशाही थी और वो चीज़ें उस समय की प्रधानमंत्री वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इमरजेंसी हम सब लोगों ने देखा है जब 25 जून 75 को इमरजेंसी लागू हुई उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एम एस का छात्र था जगमोहन सक्सेना जी का जजमेंट सुर्खियाँ बनी थी अब तो तमाम मटेरियल है कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने धमकाया गया जगमोहन सक्सेना जी को और कहीं से आया उनके पास कि अगर आपने कोई विपरीत जजमेंट दिया तो अपनी पत्नी से कह दीजिए अगला करवा चौथ का व्रत ना रखें जगमोहन सक्तिहा जी ने बड़ा मार्मिक स्टेटमेंट दिया कि सौभाग्य से उन्होंने सौभाग्य शब्द इस्तेमाल किया मेरी पत्नी का तीन महीने पहले देहांत हो गया है तो यह हाल था उस समय कांग्रेस पार्टी को जुडिशरी को धमकाया जाता था महोदय उसके बाद शुरू हुआ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तो उन्होंने बना ही दिया था लेकिन दूसरा शुरू हुआ कमिटेड जुडिशरी वहाँ पर यह हाल था मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कमिटेड जुडिशरी का ये हाल था पॉलिटिशियन टू जुडिशरी टू पॉलिटिशियन वो किस्सा है जस्टिस बहरुल इस्लाम जस्टिस बहरुल इस्लाम साहब आसाम के थे और वो 62 में राज्यसभा में आए 68 में दोबारा वो राज्यसभा में आए बीच में कांग्रेस पार्टी से आसाम में चुनाव भी लड़े उसके बाद राज्यसभा के मेंबर थे 72 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो हो गए कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी ने उनको बना दिया हाई कोर्ट जज गुवाहाटी हाई कोर्ट सीधे पॉलिटिशियन से और वो गुवाहाटी कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए उसके बाद रिटायर होते हैं उसके बाद वो फिर आ जाते हैं राज्यसभा में सेवेंटी टू में फिर इस्तीफा देते हैं और जब वहाँ से रिटायर होते हैं तो नौ महीने बाद रिटायर होने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में वो जज बनते हैं और एक जगन्नाथ मिश्रा जी का बिहार के चीफ मिनिस्टर थे करप्शन केस था उसमें उन्होंने उनके फेवर में जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद फिर इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राज्यसभा आ गए तो ये हाल था जिसको कहते थे कमिटेड जुडिशरी तो ये संविधान में जो परिवर्तन किए गए जुडिशरी में जस्टिस ए एन रे क, क, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाँ इंडिया बने ये हम सभी लोगों को मालूम है तो वहाँ ये कल्चर चला जुडिशरी को धमकाने का कमिटेड जुडिशरी का और उसका नंगा नाच चला गया संविधान संविधान बाबा साहब ने बनाया और ये जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ा तो दलितों में जानते थे इन नैरेटिव में कि दलित जहां संविधान पूरा देश संविधान को कमिटेड है लेकिन चूंकि दलित बाबा साहब के लिए बड़ा भावनात्मक रुख रखता है तो ये जब बात बताई जाती थी कि साहब संविधान बदला जा रहा है तो ये इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा संविधान संविधान में जो हालत किया कांग्रेस ने उसका मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूं इमरजेंसी इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता लोकतंत्र का सबसे बड़ा कलंक संविधान पर सबसे बड़ा हमला जहां लाखों में लोग बंद कर किए गए और तमाम नेता ऐसे थे बड़े बड़े चाहे उसमें भी हमारे बीजेपी के उस समय बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण जी मुलायम सिंह जी ऐसा भी लोग जो है जॉर्ज फर्नांडिस जी ये बंद हुए और अभी मुझे एक सीन दिखाई पड़ रहा था बड़ा कि जहाँ कांग्रेस संविधान लिए हुए और झूठ बोल रही थी कि संविधान जो है बीजेपी बदल देगी जहाँ ये झूठ बोल रहे थे वहीं पर पीछे पीछे हमारे समाजवादी पार्टी के भाई लोग भी तख्ती लिए खड़े थे अरे इनको तो जो इमरजेंसी का दिन था 25 जून उसको तो जो समाजवादी बड़े बड़े समाजवादी ने यातनाएं झेला इनको तो उनके सम्मान में उनके उसमें इसको कंडेम करना चाहिए था उनका सम्मान करना चाहिए था लेकिन ये लोग भी उनके साथ खड़े थे महोदय दूसरी बात आती है जो कहा गया जो दलितों को भ्रमित करने का वो था कि आरक्षण छीना जा रहा है आरक्षण बाबा साहब संविधान निर्माता खुद दलित थे उन्होंने दलित की वेदना झेली थी और उसके बाद संविधान बना 61 में नेहरू जी ने एक पत्र लिखा सभी मुख्यमंत्रियों को कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं है उस समय आरक्षण केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का था इसी सभा में प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ कहा था और उसके बाद उन लोगों ने भाई लोगों ने क्या किया कि उनका जवाहरलाल नेहरू जी को तो हटा दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था मोदी जी को आरक्षण पसंद नहीं है वो पार्ट उसको मीडिया पकाट करके खूब चलाया गया और दलितों में कि देखिए मोदी जी कह रहे हैं हमको आरक्षण पसंद नहीं है दूसरा महोदय कहना चाहता हूँ चूंकि मैं सीधे उससे जुड़ा रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी उन्नीस में भैया एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके पहले उन्नीस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना वो भी एक्ट पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आरक्षण देती है पहले दलितों आदिवासियों को अब तो गरीब सवर्णों को भी और ओबीसी को लेकिन वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लोगों में बड़ी भ्रांति है कि साहब ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी से नॉट अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी की जो जमीन है वो राजा महेंद्र प्रताप ने दिया था इसमें जहाँ नवाबों ने पैसा दिया राजा विजयनगर महाराजा पटियाला महाराजा दरभंगा इन तमाम हिंदू नवाबों ने भी राजाओं ने भी पैसा दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनाटे माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी इसको जब डिबेट हुआ संविधान सभा में बड़ा लंबा डिबेट है उसको आप देखेंगे तो सब मिल जाएगा लेकिन आजादी के बाद संविधान लागू हुआ लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज तक रिजर्वेशन नहीं दिया और एक केवल कांग्रेस की दादागिरी थी कि सब कुछ होने के बाद नहीं दिया गया 67 में एक बड़ा फेमस केस है मोहम्मद बासावर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया उसमें सात जजेस की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि आप जाति के नाम पर धर्म के नाम प्लेस प्ले ऑफ बर्थ के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आपको देना पड़ेगा लेकिन 67 के मोहम्मद बासा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बेंच के बावजूद भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया कांग्रेस की दादागिरी उसके बाद इमरजेंसी लगी इमरजेंसी के बाद एट्टी में कांग्रेस फुल पावर में आती है और अपनी तुष्टिकरण की नीति के साथ इन्होंने कहा कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देंगे एट्टी वन में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट को बदल दिया और ये कहा है तो मुस्लिम्स के लिए है उनके शिक्षा के लिए है उनके उत्थान के लिए है इस तरह से एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को सुनिश्चित करती है ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देती है वहीं पर एक पार्टी कानून बना करके के दलितों का ओ का सबका आरक्षण छीनती है जो कांग्रेस ने किया 91 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन करके वो मामला इलाहाबाद कोर्ट में गया 2005 में जस्टिस अरुण टंडन ने जजमेंट दिया कि ये जो किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन है और आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा फिर चले गए डिवीजन बेंच में 2006 में जस्टिस ए एन रे और जस्टिस अशोक भूषण जी ने जजमेंट दिया कि ये जजमेंट अच्छा है लेकिन जस्टिस अरुण टंडन को जो कांग्रेस ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया एटी वन में परिवर्तन करके उसको क्वेस कर देना चाहिए नाउ इट इज होर बाई क्वेस्ट ये क्वैस हो गया और आज वो सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है जजमेंट रिजर्व है और कौन उनके लिए कर कर रहे हैं प्रयास कौन वकील खड़े होते हैं दलितों को ओबीसी को आरक्षण ना मिले अलीगढ़ में वो हैं कांग्रेस के लोग जुड़े हुए ये नहीं चाहते तो एक तरफ ये बात करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं बैकवर्ड के हितैषी हैं और एक तरफ कानून बनाकर ये आरक्षण छीनते हैं महोदय दलितों को बहुत भ्रमित किया गया अभी आप जानते होंगे कि अभी जो सी ए पास हुआ दो दो हजार उन्नीस में संविधान संशोधन अधिनियम उसमें सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित हुए हैं तो एससी सी और एस टी लाभान्वित हुए हैं अभी उनको जो है नागरिकता मिलना शुरू हो गया है इसमें सबसे ज़्यादा वो थे नमोशूद्र और मतुआ जो बांग्लादेश से भगाए गए थे जोगेननाथ मंडल जी के कारण जो रुक गए थे दलित नेता जो पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने लेबर मिनिस्टर बने और उन्होंने जो आज एक राजनीति चलती है भीम मीम की और कहा जाता है अगर दलित मुस्लिम मिल जाए तो इस देश पर राज करेंगे बैकवर्ड मिल जाए तो राज करेंगे अरे हम तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास उसकी बात करते हैं हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भारतीय हैं लेकिन ये जो राजनीति चली उसी में मंडल जी बड़े विद्वान थे बाबा साहब के बाद वो भी और वो कंबाइंड बंगाल में ला मिनिस्टर रहे कैबिनेट मिनिस्टर थे और 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी ने जी के अंडर में तो भारत के विभाजित तो भारत के ला मिनिस्टर थे उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी उन्होंने कहा बाबा साहब हमारे दलित इस्लामिक कंट्री में बहुत अच्छे रहेंगे और वो पाकिस्तान का ऑप्शन दिया वहाँ के लाइन लेबर मिनिस्टर बने लेकिन जो हाल उनकी वजह से पाकिस्तान में हुआ जो कत्लेआम हुआ क्योंकि दलित तो वहाँ रुक गए थे और उसके बाद वो खुद 8 अक्टूबर सन 1950 को तीन साल में भाग आए जब वो भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची उनको बसाया गया आसाम में बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी एक जिले का एसपी था छियासी से अठासी में गया तो उनके बीच में भी और वो था पीलीभीत अकेले पीलीभीत में इस समय ढाई लाख दलित बंगाली हैं नमो सूद रैन हुआ उनको बसाया गया कांग्रेस ने कभी उनको नागरिकता देने की नहीं सोची और उनको अगर नागरिकता दिया है तो दिया है नेहरू जी जी तो विरोध करते थे माननीय नरेंद्र मोदी माननीय अमित शाह जी ने जो सी लाया तो सी में उनको आज नागरिकता मिली आज वो भारत के नागरिक हैं और उसका विरोध कौन कर रहा था सी का कांग्रेस यहीं आपके दिल्ली में महीनों चला लखनऊ में घंटा घर पर चला कांग्रेस के लोग हाजिरी देते थे और अरविंद केजरीवाल जी तो खैर यहाँ के मुख्यमंत्री रहे यहाँ की आप पार्टी उनका तो सब प्रायोजित ही था तो वहाँ विरोध होता था सी का अरे सी का विरोध जो टोटल नागरिकता मिली है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश से भगाए गए हिंदू सिख ईसाई और जैन सब उसमें जो नागरिकता मिली है सत्तर से 75 परसेंट दलित हैं अनुसूचित जनजात के हैं इसलिए इन विरोधी पार्टियों के कहने का हक नहीं है कि ये अनुसूचित जाति एस सी एस टी के हितैषी हैं महोदया तो ये जो है विरोध किसका कर रहे थे दलित का आदिवासी का बैकवर्ड का और यहाँ क्या बोलते थे आरक्षण छीन लेंगे तो ये जो नैरेटिव इन्होंने गढ़ा वो इतना भ्रमित किया गया लेकिन एक काट की हंडी एक बार चढ़ती है महोदया ये काट की हंडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली जैसे हमारे कई मित्रों ने कहा इन्होंने प्रिंटेड पेपर दस्तखत करके उस पर माननीय राजू राहुल गांधी जी का है दस्तखत माननीय खड़गे जी का है और कहा कि जैसे हमारी सरकार आ रही है पहली जुलाई से साढ़े आठ हज़ार और एक साल में एक लाख और आज वो उस पर उन्होंने दिया कि आइएगा और आज कांग्रेसी कार्यालयों में उनकी भीड़ लग रही है लाइए पैसा हमको आज वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं दे नहीं पा रहे हैं तो ये मूर्ख आप हमेशा नहीं बना सकते इस देश की जनता जागरूक है अगर इमरजेंसी को तार तार कर, -कर, कर दिया हमारी लोकतंत्र वो जड़ से जुड़ी है वो कायम है आप कुछ नहीं कर, कर पाए और उसके बाद आज भी वो मौजूद लेकिन इन कांग्रेसियों को विरोधियों पार्टियों का कोई हक नहीं है कि संविधान की रक्षा करने वाले हैं अरे संविधान को तो इन्होंने हमेशा तहस नहस किया है माननीय राष्ट्रपति जी ने और एक चीज़ बड़ा टच किया है और वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईपीसी इंडियन पेनल कोड बना था 1860 में कब बना था जब अट्ठारह में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ अंग्रेजों की नींव हिल गई उन्होंने कहा भारतीयों को गुलाम कैसे बनाएं परमानेंटली तो आया इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता महोदया जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप बना और मेरा भी थोड़ा जो योगदान है क्योंकि मैं चेयरमैन रहा उसका पार्लियामेंट स्टैंडिंग ऑन होम अफेयर मेरे कमिटी से भी वो गुजरा है अंग्रेजों ने मनाया था दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें जो बना एक्ट पास हुआ जो पहली जुलाई से लागू होना जाए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें काम की किया है और उसमें रखा गया है भारतीय न्याय संहिता हम दंड नहीं न्याय दे रहे हैं जो थी उसका नाम रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारे कई कांग्रेसी मित्र कहते थे भारतीय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा मीन्स सिविल डिफेंस हम कहा नहीं जनाब सिविल डिफेंस नहीं उन्नीस सौ बावन में हमारा हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में संविधान लागू होने के बाद जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को मिल जाने चाहिए था इसलिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ था कांग्रेस तो जब आज़ादी आई है देश में देश गणतंत्र बना तो उसके पहले उनको इसको बदल देना चाहिए लेकिन ये तो लोग खुद अंग्रेजी मानसिकता के हैं अंग्रेजों के गुलाम रहे गुलामी को स्वयं और वही चीज़ स्वीकार करते हैं कि आज वही कानून बना रहे जो अंग्रेजों को बनाया हुआ था तो इन्होंने इसका हमेशा कोशिश किया कि ये ना हो तो कहते हमने कहा नहीं साहब यह है क्योंकि संविधान हमारा लागू हुआ तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का अब नया नाम है वो है संविधान प्रदत्त अधिकार जो देशवासियों को उनको देने का है तीसरा है साक्ष अधिनियम अब इसमें अधिनियम में मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के लिए इम्पोर्टेंट था पैसा देश को लूटना उनको मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं था जलिया वाला बाग हो तमाम इंसिडेंट और किस तरह से व्यवहार कर कर करते थे मसूरी में जाइए तो हम तो वहाँ ट्रेंड हैं डाग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड वो मानसिकता उनकी थी और इसके लिए जो है एक्ट बनाया उस एक्ट में उनको दो सबसे बड़ा जुर्म होता बन गया मानव हत्या मर्डर और दूसरा होता है बहनों के साथ महिलाओं के साथ बलात्कार लेकिन बलात्कार कहाँ रखा उन्होंने सेक्शन 376 इंडियन पेनल कोड तीन नंबर उनकी वो प्राथमिकता नहीं थी और मर्डर कहाँ रखा 302। लेकिन अब जो बना, नया भारतीय न्याय संहिता बना है महोदय पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन इसमें जो बलात्कार की सज़ा दी गई है अगर नाबालिग बच्ची है 12 साल से कम है और गैंग रेप होता है तो सजा है फांसी की सजा बलात्कार में आजन्म कारावास की सजा है और मिनिमम है 20 साल तो ये सरकार जो कहती है हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे महिलाओं का अधिकार देंगे और हमने नारी शक्त बंधन अधिनियम इसी पार्लियामेंट में पास किया है उस पर खरी उतरती है और जो नया एक्ट आ रहा है और पहली जुलाई से उसमें महिलाओं के लिए पहला चैप्टर है अफेंसज अंगमेन एंड चिल्ड्रन उसके बाद है अफेंसज ह्यूमन बॉडी जिसमें मर्डर है उससे जितने रिलेटेड हैं तो इसलिए ये जो एक्ट बने हुए हैं इसमें हम लोगों ने एक ये किया है इस नए एक्ट में कि हमने न्याय देने का कहा है दंड देने का नहीं अब इसके बाद कई चीज़ें नहीं थी एक था ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े बड़े माफिया बने बॉम्बे के हमारे मुरली देवड़ा जी बोल रहे थे आतंकवाद था और वहाँ कौन कौन अंडरवर्ल्ड चलता था वो सभी जानते पूरे देश में था अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक्ट बनना चाहिए था वो नहीं था उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ पुलिस अधिकारी रहा हूँ डी रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई हजारों करोड़ की संपत्तियाँ जब्त की गई क्योंकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट था महाराष्ट्र में मकोका था लेकिन अब की बार ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है नए अधिनियम में जोड़ा गया है जिससे पूरे देश में ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको उसी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है और आज उत्तर प्रदेश का जो माफियाओं पर कार्रवाई है वो केवल हमारे देश में नहीं हमारे प्रदेशों में होती है और विदेश में एक एम थे ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ दिन हमारे यहाँ जाना चाहिए था तो ये जो है, है, है। दूसरा टेररिज्म मुरली देवड़ा जी का बता रहे थे बॉम्बे में रोज विस्फोट होते थे उन्होंने छब्बीस ग्यारह का जी किया जावरी मार्केट का किया इंडिया गेट का गेट वे गे ऑफ इंडिया का किया तमाम रोज बम ब्लास्ट होते थे और ये हालत था जब बम ब्लास्ट होते थे तो उसको नैरेटिव बदला जाता Conclude, था please. कि रही साहब ये तो भगवा आतंकवाद एक हमारे मेंबर हैं राज्यसभा में अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन उनको जरूर मालूम है कि जब छब्बीस ग्यारह हुआ तो कहा गया ये तो पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है ये तो आरएसएस का हाथ है और इंडियन मुजाहिदीन जो नाम है ये है बजरंग दल का में। और वहां पर एक किताब लिखाई गई छब्बीस ग्यारह आर की साजिश इसके अलावा एक वहां रिटायर्ड आईजी जनाब थे उन्होंने भी लिखा और वो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने बंबई जाकर के उसका अनावरण किया दिल्ली में विमोचन किया सॉरी विमोचन किया दिल्ली में वहां किया कि आतंकवाद तो भगवा आतंकवाद है इसी तरह से गोधरा कांड गोधरा कांड का तो लालू यादव जी ने परिदृश्य ही बदल दिया 2005 में वो वहां चुनाव होने वाला था 2004 में रेल मंत्री बने रेलवे मिनिस्ट्री को अधिकार नहीं होता कोई जुडिशियल बनाए राज्य सरकार या सेंटर बनाती है जस्टिस बनर्जी केस बनाया और उन्होंने कहा बनर्जी जी ने इसी रेल भवन में किस कमरे में लिखा जाता था टाइपिस्ट कौन है मैं भी पाँच साल रहा हूँ सात साल रेलवे में डिप्टेशन पर चीफ सेक्यूटी कमिश्नर रहा हूँ और वहाँ पर वो दस्तखत करते थे बनर्जी साहब और कहा गया तो, प्लीज कंक्लूड जब प्लीज़ आईम का कंक्लूडिंग मैडम और कहा गया ये तो आतंकवाद था ही नहीं ये तो कोई बाहर से अटैक हुआ ही नहीं ये एक्सीडेंट था और उन्होंने एक वो बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा लोग थे चले आ रहे थे अयोध्या दर्शन के बाद चिलम पी रहे थे और आग लग गई ये हुआ पर से बदल दिया अहमदाबाद हाईकोर्ट का को सलाम करता हूँ इन्होंने जो रिपोर्ट बनाए लोकसभा राज्यसभा में पेश नहीं कर पाए और उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने ख़त्म कर दिया उसमें 11 लोगों को फांसी और 21 को आज हम कारावास हुआ तो Please आज conclude. जो पूरे देश में कहीं आतंकवाद नहीं है आज जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी नीति है इच्छा शक्ति है और जब ये शांति व्यवस्था नहीं रहती तो डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि आज पूरे देश में शांति व्यवस्था है इसलिए भारत आज पाँचवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है तीसरी हम दो साल में बनने जा रहे हैं और सैंतालीस में मोदी जी का जो विकसित भारत है हम बनेंगे और 100 परसेंट बनेंगे जिसका ये मूल आधार होता है कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था आतंकवाद अपराध के पर जीरो टॉलरेंस इसके लिए मैं इस शब्दों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी को उनके भाषण पर मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय भारत स्पेशल मेंशंस ऑनरेबल डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी